3 दिसंबर शहीद भगत सिंह हाल जलंधर विखे बाबा साहब अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस धूमधाम नाल मनाया गया। इस मौके मुख्य मेहमान राजरत्न अंबेडकर अते डॉक्टर अमितपाल कौर रहे। एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर जी का अनुयायी होने का भी दावा करते हैं और इसलिए मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि बाबा साहब को सही मायने में अभिवादन करना है तो उन जातियों से बाहर आना होगा। उन जातियों से बाहर आकर बाबा साहब ने दिया हुआ जो मार्ग है उस पर हमको चलकर अपनी व्यवस्था कायम करनी, यही मैसेज मैं देना चाहूंगा। पंजाब दे विच सब तो वध पंजाब दे विच डेरे आ, उन डेरे दे विच अध्यात्मिक जिहड़ा ज्ञान दिता जांदा विद्या दित्ती जांदी है, मुझे डेरा और ये क्या होता है डेरे के अंदर मुझे उसका मालूम नहीं है तो मैं उसके ऊपर भाष्य नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई संत महापुरुष अगर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, जाति व्यवस्था के खिलाफ बात कर रहे हैं तो ऐसे टीचिंग्स हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन जिस डेरों से ब्राह्मणवाद का प्रचार होता हो, ऊंच नीच का प्रचार होता हो, जाति व्यवस्था का प्रचार होता हो, ऐसे डेरों का तो मैं समर्थन नहीं करता। इस तरह थोड़े वालों गल की गई सी कि साढ़े देश के 10 लाख बाबा साहब के नाम से संस्थावान ने, लेकिन असी फिर भी उन्होंने उपर राज नहीं कर पा रहे, 181 जिहड़ा 10 का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे? देखियो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि 10 लाख संगठना होने के बावजूद हम लोग अपनी विचारधारा से भटके हुए हैं। हमें इन 10 लाख संगठनाओं को बाबा साहब की विचारधारा के बारे में पता नहीं और इसलिए जब तक विचारधारा हम लोगों में नहीं होगी, एक कॉमन विचारधारा के ऊपर हम लोग काम नहीं करेंगे तो 10 लाख या 20 लाख भी संगठना हो जाए तब भी हम लोग सक्सेसफुल सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब के नाम से नौजवान वर्ग की गल करिए, नौजवान वर्ग वालों उन्होंने जन्मदिन से बहुत वड्डे वड्डे फंक्शन किए जाते हैं, लेकिन इन फंक्शनों के बावजूद भी असं पीछे जा रहे हैं। नहीं देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जी का जो विजन है उसके ऊपर हमको जयंती बाबा साहब की मनानी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती बाबा साहब अंबेडकर जी के तरीके से मनानी चाहिए। हम लोगों को बाबा साहब का अधूरा रहा हुआ काम पूरा करने के लिए वो दिन हम लोगों को निर्धारित करना शुरू करना है।